भक्तों, ये कथा श्री श्री 1008 परमहंस बद्रीदास महाराज की है। भक्तों, श्री श्री 1008 परमहंस बद्रीदास जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिला जालौन के कोच नामक नगर में हुआ। सनवत 1960 ईस्वी के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पुष्प नक्षत्र में रात्रि के समय आसमान बादल नहीं थे, एक प्रकाशमान तारा उदय हुआ और अपने पूर्ण प्रकाश पुंज से पृथ्वी पर अब लोकगीत हुआ और महाराज जी का जन्म हुआ। भक्तों, बताते चले कि महाराज जी के पिता पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जो भृगु वंशज थे और माता का नाम पार्वती देवी था, जिन्हें रजन भी कहके बुलाते थे। एक बार इनके माता पिता भगवान विष्णु के धाम बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर गए, जहां इनकी माता ने सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अपने जैसा पुत्र दो। कुछ समय पश्चात माता पार्वती देवी को एक सपना आया और उस स्वप्न में भगवान ने बताया कि हम आपके घर में जन्म ले रहे हैं और महाराज जी का जन्म हुआ। महाराज जी के जन्म के कुछ समय बाद माता जी का देहांत हो गया और फिर कुछ समय बाद उनके पिताजी भी नहीं रहे। महाराज जी के बड़े भाई पंडित प्यारेलाल तिवारी और भाभी श्री देवका रानी द्वारा महाराज जी का भरण पोषण शुरू हुआ। महाराज जी बाल अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। महाराज जी की उनकी भाभी से कुछ खास नहीं पड़ती थी। वह महाराज जी को कहती थी कि तुम आवारा हो, तुम घर पर नहीं रहते हो, तुम्हारा कहीं अता पता नहीं लगता। बेचारे महाराज जी सर झुकाए सब सुनते रहते और चुप्पी साध कर शांत हो जाते। और उन दिनों एक घटना घटी। महाराज जी गांव के बाहर देवी के मंदिर में, जो कि टूटा फूटा था, जंगल बहुत ही जंगल जहां पर झाड़ियां भी थी, उसमें बने कुंड में सुबह 4 बजे जाकर स्नान करते थे। यह देख उनके बड़े भाई ने उन्हें डांटा और बोला कि बद्री, मैं तुम्हें एक दुकान खुलवा रहा हूं। कुछ ही दिन में उन्हें एक परचून की दुकान खुलवा दी गई। महाराज जी उसमें बैठने लगे, गरीब और दीन दुखियों को मुफ्त में राशन देने लगे। परिणाम स्वरूप दुकान में घाटा हो गया और दुकान बंद हो गई। ऐसे थे हमारे दयालु महाराज जी। उसी समय में महाराज जी की भाभी ने महाराज जी को बोला, बद्री, खेत में जाकर चिड़ियों को भगाओ, फसल का बहुत नुकसान हो रहा है। महाराज जी खेत में गए और मचान पर बैठकर चिल्लाने लगे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ये देख गांव के लोग घर आकर महाराज जी की भाभी को ये सब बताने लगे कि बद्री मचान पर बैठकर ये गाना गा रहे थे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। उनकी भाभी को यह सुनकर काफी गुस्सा आया। उन्होंने उन्हें डांटा, परंतु फसल पकने के बाद जब कटाई हुई तो सबसे अच्छी फसल पूरे गांव में महाराज जी के खेत से ही मिली। जय महाराज जी। महाराज जी को बचपन से ही संसार से वैराग्य होने लगा था। पहु कोच नगर स्थित दादा का बगीचा, जिसे ठाकुर का बगीचा भी कहा जाता है, जिसमें दिन में भी मनुष्य जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे, इतना घना जंगल था। महाराज जी अपनी साधना वहीं किया करते थे। रात के समय में लगे पूरे सलैया ध्यान आदि जगहों में विचरण कर सुबह ठाकुर के बगीचे में पहुंच जाया करते थे। कुछ समय बाद महाराज जी पाहुज नदी के किनारे बसे सिरसागढ़ में गए, जहां सती गजमोतिन ने अपनी सतीत का साक्षात्कार किया। वहां घनघोर जंगल था। महाराज जी ने वहीं पर एक गुफा में घनघोर तपस्या की।